श्री रुद्रनाथ धाम जहाँ महादेव के मुख की पूजा होती है। मैं और मेरा दोस्त निकल चुके थे महादेव के चौथे केदार की तरफ। भाई ये रास्ता दिख रहा है, ये पहाड़ों के पीछे से आ रहा था। और एक चीज बताऊं आपको, जहाँ हम रुके थे, जहाँ मैंने बताया था ना 4 किलोमीटर बच रहा है, उसके बाद हम 5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अभी भी यहाँ पे लोगों से पता करा तो वही बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर अभी भी बच रहा है। पता नहीं 4 किलोमीटर खत्म नहीं हो गया तेरा, पहले 14 किलोमीटर खत्म नहीं हो गया तेरा था, अब 4 किलोमीटर। चार की गिनती बड़ी अलग चल रही है। अभी पहुंचने वाले हैं, सामने की तरफ ट्रैक दिख रहा है, वो जा रहा है उधर की तरफ। अभी पता नहीं कहाँ मंदिर दिखेगा, किधर की तरफ है मंदिर। चलते हैं यार, बारिश भी आ रही है, अभी थोड़ी ठंड भी लग रही है और भूख सबसे ज्यादा लग रही है। अभी ये रहे हमारे विपुल भाई, चलते हैं पहुँचते हैं मंदिर की तरफ, शीश नवाते हैं महादेव को। हर हर महादेव। भाई ट्रैक का रास्ता देखो, क्या ही रास्ता है ये। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, पता है जो लोग केदारनाथ जाके ना रील और ब्लॉग बना रहे हैं, रुद्रनाथ आओ एक बार, ये चैलेंज है। मतलब जो लोग वहाँ पे जाके रील वगैरह बहुत बना रहे हैं ना आजकल, रुद्रनाथ आके दिखाओ, यहाँ पे आके रील बनाओ, यहाँ पे आके ब्लॉग बनाओ, यहाँ ट्रैवल करो, जब पता पड़ेगी वहाँ जाके तो तुम पहुँच के बड़ी रील बना रहे हो, क्योंकि रीच मिल रही है ना तुम्हें बहुत अच्छी खासी, यहाँ आके दिखाओ जब माने जाए बात को। चलते हैं हम भी पहुँचते हैं मंदिर की तरफ, हमें तो दर्शन करने हैं, 5 केदार अपने कवर करने हैं, हमारा चौथा चल रहा है अभी। अभी देख रहे हो बारिश हो रही है, क्या नज़ारा है। हाँ एक बार पूरी वीडियो देख लेना, पता पड़ जाएगा भाई क्या सीन है। मैंने भी ब्लॉग देख के आया था, पता है ब्लॉग में ना आधी चीजें बताई हैं लोगों ने, आधी नहीं बताई, पर मैंने पूरी डिटेल दी है, तो ब्लॉग अच्छे से देखना मेरा, एक एक डिटेल दी है। देखो ये जॉब, पता है ये तो बहुत बड़ी वाली है, बहुत गंदा खून निकाली है, कल से मेरे 2 बार चिपक चुकी है, और पता नहीं पड़ रहा इनके ही चिपक जाती है, तो जब ब्लड निकलता है जब ही पता पड़ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ यही हो रहा है भाई, तो इनसे थोड़ी सेफ्टी रखना, दवाई वगैरह अपने पास रखना। हमारे पास बीटाडीन थी तो हमने उसे लगा लिया, ब्लड वगैरह बंद हो गया था। अभी पहुँचते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर दिख के नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ है महादेव। पहुँचते हैं, आओ केदारनाथ वालों, जो रील बना रहे हो ना आजकल, आओ यहाँ पे आओ, जब देखते हैं तुम्हें भाई। अब मेरे हिसाब से हम पहुँच चुके हैं हर हर महादेव, तो आपको दूर दिख रहा होगा वो, अब मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं बचा है, वो दिख रहा है आपको, वहीं है रुद्रनाथ टेम्पल। अब मेरे हिसाब से 3-4 किलोमीटर अब बचा है, आप कह सकते हैं 3-4 किलोमीटर है, अब बस पहुंचने वाले हैं। चलते हैं महादेव का शीश नवाते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के। यार बहुत हार्ड ट्रैक रहा ये वाला, तो बहुत ही मुश्किल सा, अब भूख लग रही है, अब खाना खाते हैं, पहले दर्शन करते हैं। पहुँचते ऊपर आप कह सकते हैं 3-4 बचा है, नहीं तो वहाँ से तो हमें धोखा मिलता हुआ आ रहा था, हर जगह 3-4 किलोमीटर, हर जगह 3-4 किलोमीटर। अब पहुँचने वाले हैं, बहुत खुशी हो रही है यार, इतना मुश्किल ट्रैक करके हम आ चुके हैं, और इस चैलेंज को पूरा करो। जो लोग वहाँ पे जाके रील बना रहे हैं ना, महादेव की भक्ति दिखा रहे हैं अपने, यहाँ पे दिखाओ आके, जब पता पड़ेगी वहाँ तो तुम रील की वजह से पहुँच जा रहे हो, केदारनाथ ट्रेंड कर रहा है, पहुँच रहे हो ना, आओ यहाँ पे आओ। हम भी पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं हर हर महादेव। मेरे हिसाब से 700 या 800 मीटर और बचा हुआ है। पहुँचते हैं महादेव के पास, इतनी मुश्किल आई थोड़ा और सही, पहुँचते महादेव के दर्शन करते हैं। महादेव ने बहुत शक्ति दी, नहीं यार मेरे को लगता था इस ट्रैक पे हम हार जाते, और एक सच्ची बात बताऊँ, ये ट्रैक ना कम से कम 33 से 35 किलोमीटर का तो है, 35 तो मानो यार ये ट्रैक जो लग रहा है, बस वो बताने के 20 किलोमीटर है। पहुँचते हैं, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ट्रैक काफ़ी अच्छा खासा है, 35 किलोमीटर के आसपास है, कम नहीं है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। पहुँचते हैं मंदिर, तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ, हमारी यात्रा सफल रही, बस दर्शन करते हैं महादेव के, शीश नवाते हैं महादेव को। तो भाई अभी हो रहे हैं आपके 11:30, अभी हम रुद्रनाथ पहुँच चुके हैं, दर्शन करते हैं हर हर महादेव। यात्रा हमारी बड़ी सफल रही, थोड़ी मुश्किल थी, पर आप आ चुके हैं, दर्शन करते हैं। नीचे की तरफ वो आपको दिख रहा होगा सरस्वती, वो है कुंड, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, और नीचे की तरफ 2-3 और कुंड हैं, पर हम सोच रहे हैं हम दर्शन करके आगे की तरफ निकलें, क्योंकि मौसम भी बेकार हो रहा है और हमें नीचे की तरफ पहुँचना है। दर्शन करते हैं अभी हर हर महादेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने किया था। श्री रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के वैलरूपी अवतार के मुख्य दर्शन होते हैं, और इस मंदिर को 5 केदार में से 4th केदार के नाम से जाना जाता है।
ये मंदिर के पीछे आपको एक छोटा सा शिवलिंग और एक छोटा सा मंदिर मिल जाता है। यहाँ पे आप दर्शन करें और आगे की तरफ चलते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको ऊपर की तरफ का। ऊपर दिख रहे हैं 5 कुटियासी और एक और, ये 5 पांडवों की हैं और एक भगवती माँ की हैं। और पीछे अपना रुद्रनाथ मंदिर और उसके बगल में रुद्रनाथ, ये वाला रुद्रनाथ मंदिर, और इसके बगल में आपको दिख रहा होगा ये वनदेवता का मंदिर है रुद्रनाथ मंदिर के बगल में। और ये आपका त्रिशूल लगा हुआ है शिव जी का, दिख रहा है क्या ही प्यारा नज़ारा है, क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए अभी हमें। हमने पंडित जी से जाना यहाँ के बारे में, जो आपका शिव जी का जो असली वो है ना मुख, वो यहीं पे माना जाता है, जो 5 केदारों में से है वहाँ मुख वाले जो ऊपर का एरिया है शिव जी का वो यहीं पे है। और आप मानोगे नहीं, शिवलिंग जो है ना सही में उसमें आँखें मुँह सब कुछ बना हुआ है बहुत पहले से ही, वो मतलब किसी का मैन मेड नहीं है, मतलब बहुत ही कुदरती बना हुआ है मतलब शिवलिंग पे। बस वहाँ पे आपका चांदी की थोड़ी मूँछ लगा दी गई है और आँखें थोड़ी सी कर दी गई हैं, श्रृंगार जिसे कहते हैं, श्रृंगार होता है ना वो डेली करते हैं लोग, नहीं तो बिल्कुल यार शिवलिंग ऐसी लग रही है कि मतलब जैसे पहले से बनी हो, काफ़ी पुरानी है। मतलब पंडित जी से जाना तो वो बता रहे सदियों से बनी हुई है। तो अभी चलते हैं, दर्शन बहुत ही प्यारे हुए, हर हर महादेव। अभी बच चुका आपके 12:30, अभी हमने दर्शन वर्शन कर लिए सारे, अभी चलते हैं नीचे की तरफ। और अगर आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं तो रुक भी सकते हैं, यहाँ का रूम वगैरह है यहाँ पे अवेलेबल, जिनका चार्ज आपका 500 से 600 रुपये रहता है, जिसमें खाना वगैरह सब कुछ ऐड है आपका, तो आप वहाँ पे खाना वाना सब कुछ खा सकते हैं। हमें नीचे की तरफ जाना होगा क्योंकि हमारे कपड़े भीगे हुए हैं और ठंड में ऐसे मतलब गीले रुकना बारिश में ख़तरनाक रहेगा, तो हम नीचे की तरफ निकलने वाले हैं। आप अगर यहाँ पे आते हैं ना तो शाम की और सुबह की आरती ले सकते हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही प्यारा रूप है महादेव का यहाँ पे जो मुख वाला है, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। अभी चलते हैं नीचे की तरफ, हर हर महादेव। रास्ता देख रहे हो, पूरे ऊपर खड़ी चढ़ाई जा रही है वहाँ तक, रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट है आने का भी और जाने का भी, अभी काफ़ी परेशानी हो रही है, हल्का बहुत झरना भी पड़ा है और सांसें फूल नहीं है यार, क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम, पर हमारे दर्शन काफ़ी प्यारे हुए। पता है मंदिर बंद होने वाला था 15 मिनट बाद, उससे पहले हम पहुँच गए, हमारे महादेव के दर्शन ज़रूर हो गए हमें, तो काफ़ी अच्छी बात है। और भाई महादेव, यहाँ के जो महादेव हैं शिवलिंग है बहुत देखने लायक है, पूरा महादेव का चेहरा बना हुआ है उस पर, मतलब नेचुरली देखने लायक है। करो उस ट्रैक को कभी यार, पहुँचते हैं क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और पता है सब लोगों से जो बात करके डिसाइड हुआ ये रास्ता, सब लोग कह रहे थे 28 से 30 किलोमीटर के बीच में, वहाँ पे जितने भी लोग थे मंदिर के आसपास 28 से 30 किलोमीटर ही बता रहे थे, पर मेरे हिसाब से मेरे को लगा 32-33 तो है यार, काफ़ी रास्ता है और थकान भी काफ़ी हो चुकी है। पर हम सोच रहे हैं आज नीचे उतर के रहे हैं गोपेश्वर में, अभी मौली खर्क चलते हैं, वहाँ पे खाना वाना खाते हैं, हर हर महादेव। भाई नज़ारा देख रहे हो यहाँ का, मैं पता है कुछ दिल की बात थी, पता है कुछ लोग कहते हैं कि मतलब दुनिया बहुत छोटी है और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो उन्हें ये कहना चाहूँगा दुनिया यार देख रहे हो बहुत बड़ी है दुनिया और ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपने टाइम का बहुत से इस्तेमाल करो, अगर ज़िंदगी मिली है तो इसे अच्छे से जियो, जितना भी टाइम है अच्छे से जी के जाओ यार, और मतलब ट्रैवल करो यार, इंडिया को एक्सप्लोर करो, इंडिया में इतनी जगह है ना आपको पता भी नहीं है, इतनी प्यारी प्यारी जगह है ना, आप निकलोगे ना सफ़र पे, आप अपने आप को पालोगे, मतलब आप ऐसी नई नई चीज़ें जानोगे ना जो आपने घर बैठे कभी नहीं जानी, तो निकलो यार सफ़र पे, बहुत ज़रूरी है सफ़र करना, और भाई करना चाहिए हर इंसान को, ये नहीं कि घर में ही पड़े हो या मतलब किसी शहर में पड़े हो, ऐसी जगहों पर आओ यार, देखो भाई कोई सोच सकता है इतनी दूर आके महादेव बसे हुए हैं या मतलब इतनी दूर हम आ सकते हैं, तो आना चाहिए यार, लोगों को मेरा यही कहना है ट्रैवल करो और बस साफ़ सफाई का ध्यान रखो, ऐसी जगह पे कूड़ा कचरा ना फैलाया करो, हमने काफ़ी जगह देखा बोतल लोग खा के ऐसी फेंक दे रहे हैं और रैप पर हो गया, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो, यहाँ पे ना ये चीज़ ना यहाँ पे कुछ साफ़ करने नहीं आएगा और यहाँ पे ये सालों साल ऐसी पड़ी रहेंगी चीज़ें, तो अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं तो उठा लो और डस्टबिन में गिरो, और ध्यान रखो कि गंदगी ना करो यार बहुत, क्योंकि कोई आने का नहीं है, वो डिकम्पोज होगा ही ना प्लास्टिक, तो नुकसान है यार प्रकृति को और नेचर को नुकसान है तो हमें नुकसान है, यहाँ पे पता है सब कुछ फ्री है नेचर की तरफ से, मतलब नेचर ने पानी हवा ऑक्सीजन इतनी सब चीज़ें फ्री दे रखी हैं,
और इतने प्यारे प्यारे व्यू, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे जिनमें जाके हम खुद अपने आप से मिल जाते हैं, मतलब खो जाते हैं अपने आप में। तो आना चाहिए भाई, और ध्यान रखो अपनी, अपने नेचर का, अपने आसपास का। पेड़ लगाओ, अगर आपके आसपास पेड़ नहीं है तो पेड़ भी होना बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं, नीचे की तरफ उतरते हैं। मैं अभी बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा और बचा है हमारा सफ़र नीचे की तरफ का। पहुँचते हैं हर हर महादेव। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ मौली खर्क में। रात हमने यहीं पर कैंपिंग अपना लगाया था, कैंपिंग टेंट। अभी पता है मैं इस वाले रास्ते पे आया था, पूरे वहाँ से पुनार की तरफ से, मतलब पहाड़ के रास्ते से, ट्रैक मतलब नॉर्मल वाले ट्रैक से नहीं, पहाड़ से कूद कूद के ऐसे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आकर ऑर्डर देना था। अभी बज चुके हैं 4:30 और हम वहाँ से 2 बजे के आसपास उतरे थे। वहाँ से भी थोड़ा दाल चावल खा लिए थे, पर हमें अब भूख बहुत तगड़ी लग रही थी। तो अभी पराठे बनाए, पराठे खाते हैं, चलते हैं। वैसे मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ से मतलब चढ़ने की तो आप 12 से 13 घंटे का सफ़र मानो, और उतरने का 4 से 5 घंटे लगेंगे नीचे पूरा। और दूसरा ये हुआ था हमारे साथ, हम पूरा गोपेश्वर से चढ़े थे ना, मतलब वहीं से ट्रैकिंग करी थी पैदल ही, तो वहाँ से ज़्यादा टाइम लगा था। और वहाँ से है आपका 35 किलोमीटर के आसपास। नॉर्मल जो ट्रैक है वो तो 28 या 29 किलोमीटर के आसपास है, पर वहाँ से 35 बैठ जाता है, क्योंकि आपका सागर विलेज से ही, मतलब सागर विलेज से गोपेश्वर का रास्ता जो है वो 4 से 5 किलोमीटर के बीच का है, और हमने वहीं से ट्रैकिंग करी थी। तो वो काफ़ी हमारे लिए हार्ड रहा, और ये हमारा सफ़र बहुत ही प्यारा रहा। आई होप आपको भी ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना हो आप कर देना, और सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत बहुत बढ़िया कंटेंट ऑन दी वे हैं। अभी कल्पेश्वर का भी आने वाला है, 5 केदार की सीरीज़ मेरी अगली सफ़र पे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बहुत सारे सफ़र आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ बने रहें। हर हर महादेव।